यह खबर जयपुर से है। भजनलाल सरकार की सादगी और मितव्ययता की ओर बढ़ते कदम। सीएस सुधांश पंत के दिशा निर्देशों के साथ ये कदम आगे बढ़ रहे हैं। अब राजकीय दौरों में यथासंभव होटल के बजाय राजकीय परिसंपत्तियों पर रुकेंगे अफसर। बैठक, कार्यशाला, ट्रेनिंग के लिए भी यथासंभव सरकारी सभागारों में करने के सीएस के निर्देश। सरकारी बैठकों में उच्च अधिकारियों को बुके देने की परंपरा पर भी रोक लगाने के निर्देश। इससे होगा क्या? इससे न सिर्फ सरकार की सादगी वाली छवि उभरेगी, बल्कि बुके, महंगे होटल और निजी सभागारों में जो अनावश्यक भारी भरकम खर्च होगा वो भी कम होगा। बैठकों में पहले ही हेल्दी स्नैक्स के तौर पर भुने चने, मखाने देना शुरू हो गया है और इसे विलासिता और चकाचौंध के बजाय सादगी भरी सरकारी मशीनरी की छवि उभरेगी। इसके पीछे सोच है कि छवि के साथ अधिक आम आदमी केंद्रित रहेगा और ब्यूरोक्रेसी काम कर पाएगी। और ये अच्छी सोच है, देखिए, क्योंकि कई सारी चीजें ऐसी है जिन्हें अगर टाल भी दिया जाए या फिर काट भी दिया जाए, कामों पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो कल्चर है उसे और ज्यादा डाउन टू अर्थ करने के लिए, वर्क ओरिएंटेड बनाने के लिए मुख्य सचिव ने निर्देश जारी किए हैं। लेकिन सरकार की मंशा भी यही कि बहुत ज्यादा वीआईपी जो कल्चर है उसे खत्म किया जाए और जनता के साथ जुड़ाव स्थापित करने के लिए उन्हें उन्हीं की तरह में बिंदुओं से जुड़कर रहना होगा। हमारे साथ में ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी डॉक्टर तुराज जुड़ गए हैं। डॉक्टर तुराज, अच्छी कोशिश है क्योंकि दिशा निर्देश तो दे दिए गए हैं, लेकिन अब क्या क्या बदलाव और नजर आएंगे मितव्ययता की तरफ जब कदम बढ़ाए हैं तो? ये मितव्ययता की तरफ कदम बढ़ाया जा रहा है जी। और ये जब भी कोई दौरा वगैरह होगा उसमें ये यथासंभव जो ब्यूरोक्रेसी के अंतर है वो होटलों में ना कहकर और ऐसे स्थानों पर ठहरेंगे, सरकारी जो परिसंपत्ति हो और उसमें ठहरा जाएगा। साथ ही मीटिंग भी जो सरकारी हॉल में ली जाएगी, ना कि कोई निजी स्थान पर ली जाएगी। तो यह कदम और उसके साथ ही मुझे बुके देने की परंपरा बंद करने के लिए कह दिया है मुख्य सचिव ने। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो मित्रता के लिए उठाया गया कदम है और सादगी की एक छवि बनाने की कोशिश की गई है। ठीक है डॉक्टर दुराज, शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। हर खबर सबसे पहले पहुंचेगी आप तक, चाहे ब्रेकिंग न्यूज हो या हर वो खबर जो रखती है आपसे राबता। अपने मोबाइल पर डाउनलोड करिए फर्स्ट इंडिया ऐप। आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। ट्विटर और फेसबुक पर कीजिए हमें फॉलो। यूट्यूब पर भी अपने पसंदीदा कार्यक्रमों का मजा। हमारी वेबसाइट पर करिए विजिट और जानिए वो तमाम खबरें जो आपको रखती हैं सबसे पहले सबसे आगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज़, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी फर्स्ट।